नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी वजह से अगर आप लेट हो गए हैं और आपके पास चेक इन बैग भी है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे, तो आज हम उसका सलूशन आपको बताने की कोशिश करें। देखिए, जब भी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप एयरपोर्ट पर आए और फ्लाइट लगभग आपकी छूटने वाली है, बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है और आपके पास चेक इन बैग भी है, यानी एयरलाइन को देने के लिए एक बड़ा बैग भी आपके पास में है, तो आप क्या करें? दोस्तों, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास बोर्डिंग पास होना चाहिए। उसको आप वेब चेक इन के थ्रू बोर्डिंग पास ले सकते हैं, साथ ही साथ आप डीसी यात्रा में भी उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों, आप डिपार्चर गेट पर रिक्वेस्ट करके सिक्योरिटी ऑफिसर से फर्स्ट प्रेफरेंस पर अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, आपको चेक इन के लिए एयरलाइन काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं है, आप एयरलाइन से कॉन्टेक्ट करिए। एयरलाइन को आप बता सकते हैं कि आपके पास चेक इन लगेज है, एयरलाइन खुद आपको बता देगी कि आप डायरेक्ट सिक्योरिटी चेक में जाइए। उसके लिए आप डायरेक्ट सिक्योरिटी चेक पे जा सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए कंडीशन यही है कि अगर आपको वो बड़ा बैग यानी चेक इन बैग जो कि आप कैबिन में नहीं लेके जा सकते, अगर आपको वो ड्रॉप करना है एयरलाइन को और आप सिक्योरिटी चेक से उसको गुजार रहे हैं, तो सिक्योरिटी ऑफिसर उसको एज ए हैंड बैग ही ट्रीट करेगा, यानी कि जो सामान हैंड बैग में अलाउ नहीं है उसको निकाल दिया जाएगा। या अचानक आप लेट हो ही गए हैं तो तैयार रहिए कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा सामान निकलता है उस चेक इन बैग में जो कि हैंड बैग में अलाउ नहीं है, तो आपको वो सामान निकालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, आप एयरपोर्ट पर बोर्डिंग गेट पर जाकर एयरलाइन को अपने बैग को एज अ चेक इन लगेज हैंड ओवर कर सकते हैं, और आपके पास अगर कोई हैंड बैग है, कोई छोटा हैंड बैग है, तो उसको कैरी करके आप फ्लाइट में जा सकते हैं। लेकिन इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपका जो भी चेक इन लगेज है वो आप सिक्योरिटी चेक से गुजारते हैं तो वो हैंड बैग की तरह ही ट्रीट होगा, और इस तरीके के प्रोसीजर से आप अपनी फ्लाइट को छूटने से बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इसको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।